वेलकम टू MSR Films। तो आज हम वृंदावन के लिए जाने वाले हैं, जो कि यहाँ से 180 किलोमीटर के अराउंड लगभग 4 से 5 घंटे में लगेंगे। तो जहाँ पे लठमार होली, फूलों की होली, लड्डुओं की होली और भी कई प्रकार की होलियाँ जहाँ पे मनाई जाती हैं, उस शहर में जहाँ पे श्री कृष्ण और राधा की रास लीलाओं के लिए जो शहर जाना जाता है, उसी शहर में जाएंगे हम। हमें देखना है वहाँ पे, बताया जाता है कि वहाँ पे कण कण में श्री कृष्ण जी का कि यादों का समावेश है। जहाँ पे इस्कॉन टेम्पल, जहाँ पे विदेशी सैलानियों का एक बहुत बड़ा हुजूम जो आता है हर साल होली पे, और जहाँ का प्रेम मंदिर ताजमहल के बाद जो प्रेम का एक प्रतीक बताया जाता है, जो कि संगमरमर से बना हुआ है, जो इटली से मंगवाया गया था, जो 2012 में कंप्लीट हुआ है जिसका काम। तो अभी उसी शहर में हम होली मनाने के लिए इस साल जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं वहाँ के माहौल और खाने का क्या मिलता है वहाँ पे, और उस शहर की खूबसूरती और उस शहर की कलाकृतियाँ कितना क्या क्या है जो हमने सुना है, और क्या हम आंखों से देख पाएंगे उस चीज को। लेट्स मूव। तो ये अभी सुबह के 8 बज गए और हम वृंदावन आ गए हैं। रात को हमने एक स्टे लिया था आधे घंटे का हाईवे पे। तो अभी देखते हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह का और रहने का, फिर निकलते हैं इस शहर की गलियारों में। तो अभी हम होटल से फ्रेश अप होने के बाद निकल चुके हैं इस शहर की गलियों में होली का नज़ारा देखने के लिए। और जैसा कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ चारों तरफ रंग ही रंग बिखरे हुए हैं। तो अभी हम बांके बिहारी जी के मंदिर जाने वाले हैं, तो इस शहर की खूबसूरती देखेंगे। तो यहाँ पे जगह जगह पे ढोल नगाड़े और इनके साथ रंगों का कार्यक्रम, और ये चारों तरफ इस शहर की जो खूबसूरती है वो इस तरह से देखने को मिलेगी यार, लाजवाब है। तो सारा शहर ही रंग दिया गया है ऐसा सा लग रहा है मुझे। हेलो गाइस, तो अभी हमारे साथ है यहाँ के ब्रह्मचर्य जी। तो अभी हम इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे कितने प्रकार की होली खेली जाती है और इसका क्या महत्व है और ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई है बेसिकली। तो आपका नाम बताइए प्लीज। ब्रह्मचारी भोला। ब्रह्मचारी भोला जी, यहाँ पे कितने प्रकार की होली खेली जाती है? यहाँ सर्वप्रथम फूल होली होती है, तदुपरांत लड्डू से खेली जाती है बरसाना में, फिर लठमार होती है, अब एकादशी से यहाँ से राम वृंदावन में बिहारी जी पे होली चल रही है। 8 से 10 दिन तक चलती है होली? नहीं, ये बसंत पंचमी से लेकर 40 दिन की होली खेली जाती है यहाँ पे। आपको लगता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ ट्यूरिस्ट सेम ही आए हैं जो पहले आते थे, या फिर कोरोना ने कुछ किया है? यहाँ पे जो पहले आते हैं वो भी आ रहे हैं, कुछ नए भक्त भी आ रहे हैं। भीड़ उतनी है शहर में? भीड़ बढ़कर है, बढ़कर है शहर में। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने समय के लिए। तो अभी हम बांके बिहारी जी के मंदिर जाने के बाद निधिवन के रास्ते में कोशिश कर रहे हैं निधिवन पहुंचने की, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा है। और यहाँ पे दोनों तरफ आप लोग देख सकते हैं कि पेड़े की दुकानें हैं, लस्सी की दुकानें हैं, और कॉस्ट्यूम्स भी मिलते हैं यहाँ पे श्री कृष्ण जी के। और अभी पहुँचते हैं निधिवन, जहाँ पे श्री कृष्ण और राधा जी की रास लीलाओं के लिए जो वन जाना जाता है। तो अभी हम निधिवन आए हैं उस मंदिर में जाने के बाद। तो यहाँ पे कुछ ऐसा सा इंटीरियर है, इसके थ्रू एक रास्ता जा रहा है। तो इस निधिवन में ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे आज भी रात को श्री कृष्ण जी और राधा जी रासलीला मनाने के लिए आते हैं। और जो ये पेड़ है साइड में, ये सब तुलसी के पेड़ बताए जाते हैं, और ये रात को गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं, ऐसा हमें यहाँ के पुजारियों ने बताया है। और यहाँ के 7 बजने के बाद शाम में इस वन में कोई भी नहीं रहता है, इवन पक्षी और बंदर भी इस वन को छोड़ देते हैं। तो रात को पुजारी जाने से पहले इस वन में चंदन का बेड लगाते हैं श्री कृष्ण और राधा के लिए, और कुछ अन्य खाने पीने का सामान और पानी का ग्लास। और जब वो सुबह आते हैं तो देखते हैं कि वो पानी का ग्लास पिया हुआ है, वो पान खाया हुआ है, तो इससे ये मान्यता है कि वो इस वन में आते हैं आज भी। Hey, Vidya, 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 Vidya
तो अभी शाम के 5 बज गए हैं और हम आ गए हैं प्रेम मंदिर देखने के लिए, जहाँ पे रंग लेके आना अलाउड नहीं है। ये मंदिर अपनी खूबसूरती के लिए और अपनी कलाकृति के लिए जाना जाता है। और इस मंदिर की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये मंदिर सुबह एकदम सफ़ेद चादर की तरह दिखता है और शाम होते होते सूरज का सनसेट का जो रंग होता है उसकी वजह से थोड़ा सा पिंकिश सा दिखाई देने लगता है ये। और यहाँ पे रात को एक लेज़र लाइट का शो होता है और ये यहाँ पे श्री कृष्ण जी की लाइफ के कुछ ग्लिम्पसेस दिखाए गए हैं, उनका चाइल्डहुड, अडल्टहुड और उनके एजुकेशन से रिलेटेड जो पार्ट है, और ये इन झांकियों के रूप में दिखाया गया है। प्रेम मंदिर में पीछे की ओर जाएंगे तो ये गार्डन है जिसमें श्री कृष्ण जी और गायों के साथ उनके बचपन की तस्वीर दिखाई गई है, उस सीन को रिक्रिएट किया गया है। और ये उसी के साथ में गोवर्धन पर्वत दिखाया गया है, इतने खूबसूरत तरीके से ऊपर से पानी की बौछारें और ये नीचे गांव के लोग और श्री कृष्ण जी गाय पे बैठे हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि बस यहीं पे ठहरे रहे बस। और अभी हम हमारी इस वन डे ट्रिप को यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे होली मनाना आना। तो आप लोग भी ज़रूर आइएगा वृंदावन और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको कि आप लोग कब आने वाले हैं और आपके क्या प्लान्स हैं होली को लेके। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग MSR Films। स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, सब्सक्राइब टू MSR Films।